आज भागलपुर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी सुभद्र कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, सदर अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला प्रशासन प्रशासनिक विभाग के तहत पदाधिकारी ने दीप जलाकर इसका विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भागलपुर के कला प्रेमी को एक उचित मंच देना, इस मंच के माध्यम से कलाकार को देश विदेश में अपनी कला को विकसित करने का मंच प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 12 सितंबर से 13 सितंबर तक आयोजित की गई है। यहां भागलपुर के कई नामी ग्रामीण कलाकार एवं उभरते हुए कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया, चाहे वह गायन हो, कथक नृत्य या फिर लोक नृत्य इत्यादि, सभी का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। भागलपुर से मनोज कुमार की रिपोर्ट। अवगत है कि अत्याधुनिक टाउन हॉल का जो है हम लोगों ने निर्माण स्मार्ट सिटी के माध्यम से कराया है, जो कि फुल्ली एसी टाउन हॉल है और 1000 कैपेसिटी है, और जो अत्याधुनिक ऑडिटोरियम में जो व्यवस्थाएं होती हैं वो सुनिश्चित कराई जा रही हैं। गैलरी, आर्ट गैलरी वगैरह हम लोग बनवा रहे हैं, और टॉप फ्लोर पर जो फॉल सीलिंग का काम है वो अंतिम चरण पर है, और कुछ नाला और रोड जो इंटरनल रोड्स होता है वो काम भी लास्ट फेज़ में है, 1 महीने में कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य ऑडिटोरियम है, जो मंच है, वो हम लोगों का 15 अगस्त से पहले ही तैयार हो गया था। 15 अगस्त में हम लोगों ने ट्रायल के तौर पे कार्यक्रम भी कराया था। आज जो ये जिला स्तरीय कार्यक्रम है ये हम लोग यहाँ करा रहे हैं, और सारे कलाकारों का यहाँ पार्टिसिपेशन होगा जो उभरते हुए कलाकार हैं, और जिनका चयन होगा वो फिर राज्य स्तर पर अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो सभी कलाकारों को मैं शुभकामना भी देता हूँ, और बहुत ही अच्छे वातावरण में एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस टाउन हॉल को हम लोगों ने प्रयास करके 1.5-2 साल में बनवाया है, तो उसमें सारा कार्यक्रम होगा, और आगे आने वाले भविष्य में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है, जितने भी हमारे उभरते हुए कलाकार हों या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार हों, उनको भागलपुर में अगर परफॉर्म करना हो तो ये मंच मिल पाएगा। तो ये एक बड़ी सौगात है भागलपुर ज़िले के लिए, और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रम इस खूबसूरत टाउन हॉल में हम लोग लगातार आयोजित करते रहें। इसके लिए प्रशासन भी और स्मार्ट सिटी नगर निगम की पूरी टीम जो है वो लगातार लगी हुई है, जल्दी ही बच्चे के काम को हम लोग कंप्लीट करा देंगे। जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन अब वो तो इच्छा है, ठीक है ना, और प्रचार प्रसार आज के भी न्यूज़पेपर में आया है, किसी को ज़बरदस्ती कार्यक्रम में नहीं लाया जा सकता है। ऑफिस आवर है, लोग ऑफिस में होंगे, स्कूल में भी बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सबके लिए ओपन है, फ्री में व्यवस्था है, जिसको भी आना है लोग आ सकते हैं। अब कोई कैप्टिव ऑडियंस हम लोग नहीं रखना चाहते, किसी को पकड़ के बैठाया गया है। जो कला प्रेमी हैं, खुद आना चाह रहे हैं, उससे आनंद उठाना चाह रहे हैं, वो आ सकते हैं, सबके लिए है। और ऐसा नहीं है कि कोई विशेष प्रचार प्रसार, जैसे कोई प्राइवेट कार्यक्रम होता है इसमें टिकट लगता है कि माइक लेकर के जो है गली गली में प्रचार कर रहे हैं, या जो है कोई स्पॉन्सर पकड़ करके ला रहा है, तो वो इसी सरकार के कार्यक्रम में व्यवस्था नहीं होती है। ये बच्चों के लिए है, इसको समझना पड़ेगा, इसीलिए कार्यक्रम के मर्म को इसको इन सब चीज़ों में बांध करके हम लोग लिमिट ना करें, ठीक है ना। कलाकारों का प्रदर्शन है, और सारे शास्त्रीय जो होते हैं वाद्य विधा, इससे संगीत इस तरह का है, तो इच्छा है जो कला प्रेमी हैं, कला के सूद लेने वाले हैं, उनको वो लोग सब लोग आए हुए हैं, और भी आ सकते हैं, दिन भर चलेगा, आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, लेकिन मेन है कि बच्चों का, उभरते कलाकारों का परफॉर्मेंस है, उसको सबको अप्रिसिएट करना चाहिए। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।